हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कई मिल्स किचन में। आज हम बनाएंगे दही बड़े, तो चलो किचन में और देखे इसके इंग्रेडिएंट्स। दही बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए सफ़ेद उड़द की दाल, बारीक कटा हुआ प्याज, कड़ी पत्ता, जीरा, नमक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। दोस्तों, प्याज ऑप्शनल है। अगर आप प्याज इस्तेमाल करना चाहते हो वड़ों में तो आप कर सकते हो, वरना बिना प्याज के ही आप वड़े बना सकते हो। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम लेने वाले हैं वड़ा बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम वड़ा बनाने के लिए जो उड़द की दाल है उसको 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। तो चलो सबसे पहले हम दाल को भिगो देते हैं पानी के अंदर। उड़द की दाल में हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसे 4 घंटे के लिए रख देते हैं। 4 घंटे हो चुके हैं, हमने वड़े के लिए जो दाल भिगोई थी वो अच्छी तरह से भीग चुकी है, इसके दाने भी अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हम इसमें से पानी निकाल लेंगे और फिर इसको पीस लेंगे। वड़ा बनाने के लिए हमने दाल को पीस लिया है, अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम डालेंगे जीरा और फिर कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को इस तरह से छोटा छोटा हम पीस कर लेंगे और फिर इसमें हम मिला लेंगे। दही बड़े के बैटर में हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब आखिरी जो इंग्रेडिएंट है वो है प्याज। बारीक कटा हुआ प्याज हमने लिया है, वो हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही बड़ों का बैटर रेडी है। गैस पे हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके वड़ों को तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। चम्मच से ही हम वड़ों को तेल के अंदर डालेंगे। अगर आप एक साथ बहुत सारे वड़ों को फ्राई करने के लिए डालते हो तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देना। इससे क्या होगा कि वड़े सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। दोस्तों, जब भी आप वड़ों को फ्राई करो इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना, क्योंकि ये वड़े अंदर से कभी कभी कच्चे रह जाते हैं, तो इसको बहुत ही धीरे धीरे फ्राई होने देना। देखिए दोस्तों, दही बड़े के जो वड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में और ठंडा करने के लिए रख देंगे। वड़ों को हमने निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और अब हम तैयारी करते हैं दही की। दही बड़े का दही बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे दही। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और नमक, नमक और चीनी का एक परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दोस्तों, नॉर्थ में जो दही बड़े बनाते हैं उसमें इमली की चटनी मिलाई जाती है, इसलिए बहुत ही अच्छा चटपटा लगता है। लेकिन यहाँ पे हम इमली की चटनी नहीं डालने वाले हैं और इसमें हमने उसके जगह पे चीनी और नमक का एक परफेक्ट ब्लेंड कर लिया है।
दही को हमने अच्छी तरह से फैट लिया है, चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है दही के अंदर, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है, अब हम उसमें डालेंगे राई। और हींग। अब गैस को बंद कर देंगे। और तड़के को डाल देंगे दही के अंदर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही बड़े का दही रेडी हो चुका है, अब हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए। दोस्तों, अब जब भी आप दही बड़े सर्व करो उसके आधे घंटे पहले आपको एक प्रोसेस करना है, जिसमें आपको एक बोल में पानी ले लेना है और जो वड़े हमने बनाए हैं उसको इस पानी में इस तरह से भिगो देना है। इसको 5 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन वड़ों को पानी में से निकाल लेंगे और स्क्वीज कर लेंगे और जो पानी है वो पूरा वड़ों में से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जो तेल है वड़ों के अंदर वो पूरा निकल जाएगा। वड़ों को हमने स्क्वीज करके पानी के अंदर से निकाल लिया है, अब हम इन्हें सर्व करेंगे सर्विंग प्लेट में। तो ये ले ली हमने सर्विंग प्लेट, इसमें हमने रख दिए वड़े। और अब हम डालेंगे दही। दोस्तों, अगर आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट हैं तो आप सभी भिगोए हुए वड़ों को डायरेक्टली दही के अंदर डाल सकते हो और सर्व कर सकते हो, वरना इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हो। अब ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, लेकिन बहुत ही चटपटा स्वाद आता है अगर आप चाट मसाला डालते हो तो। तो लीजिए दोस्तों, दही बड़े रेडी है। अगर आप चाहो तो आप इस पे इमली की चटनी भी डाल के सर्व कर सकते हो। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।